इस कोरोना महामारी के चलते जहां पूरे देश भर में नहीं विश्व भर में हाहाकार मचा हुआ है। हर कोई कोरोना से ठीक होने की सलाह देता दिखाई दे रहा है। हर किसी को कुछ ना कुछ नुस्खे पता है कि भाई आप स्टीम ले लीजिए, आप काढ़ा पी लीजिए, आप ये दवाई खा लीजिए, आप वो दवाई खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर सरकार लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रही है कि आप घर में रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर और मैं हूँ कृतिका भटनागर। आज मैं अपनी इस पूरी वीडियो के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कृपया कर आप इस महामारी के चलते अपने घरों में रहिए, आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। और मैं बच्चों से खास निवेदन करती हूँ कि वह अपने घर में जिन बड़ों को बाहर जाना हो उन्हें बाहर जाने से रोकें। चलिए, यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो घर में रह रहे हैं, पर उनका क्या जो सड़कों पर अपनी परिवार को छोड़कर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, जो सड़कों पर कड़ी धूप में हमारे लिए तत्पर खड़े हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन पुलिस कर्मचारियों की जिन्होंने ना केवल पिछले वर्ष बल्कि इस वर्ष भी, जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, अपने परिवार वालों से दूर वह हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। आइए देखिए हमारा यह वीडियो। बहुत बढ़िया जो आ रहा है, लो सर, लो आप लो भाई, वाह, इसमें तो बहुत क्लियर आ रहा। जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कैसे पुलिस वालों ने आत्मनिर्भरता का परिचय दिया है, उन्होंने खुद के लिए एक भारतीय भाषा में जुगाड़ लगाकर खुद को सुरक्षित रखने का उपाय लगाया है, यह सराहनीय है। हम आशा करते हैं कि जो पुलिसकर्मी या जो डॉक्टर्स हमारे लिए बाहर तैनात हैं वह सुरक्षित रहें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहिए माँ खबर के साथ।